क्वेश्चन, फर्स्टली एक बल्ब दिया है आपको, तो उसको आपने कनेक्ट किया हुआ है 60 वोल्ट के सोर्स से, और वो कितनी करंट विड्रॉ कर रहा है? इट इज विड्रॉइंग 4 एम्पियर करंट्स. तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? आई कैन कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. सो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस विल बी वी अपॉन आई. आई एम जस्ट यूजिंग दी ओम्स लॉ, विच इज वी इज इक्वल टू आई आर. तो यहां से मुझे निकालना है आर, तो आर कितना जाएगा? वी अपॉन आई. वी कितना दिया है? 60 वोल्ट. करंट कितना दिया है? 4 एम्पियर. तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 15 ओम. अब आपको यहां पर पूछने की कितनी करंट ये बल्ब विड्रॉ करेगा जब आप इसको कनेक्ट करोगे 120 वोल्ट के सोर्स से. तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो बल्ब की खुद की प्रॉपर्टी है. इट डज नॉट चेंज विद द सोर्स कि आप उसको कितने वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो. तो बल्ब का रेजिस्टेंस आपने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट किया वो कितना है? 15 ओम. तो सेकंड इंफॉर्मेशन या सेकंड केस में भी उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? इट इज 15 ओम ओनली. तो आपको करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है जिससे आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, और बल्ब का रेजिस्टेंस आपने अभी कैलकुलेट किया. सो अगेन यूज द ओम्स लॉ, विच इज V इज इक्वल टू आई आर. वी आर सपोज टू कैलकुलेट I, तो I कितना होगा? V अपॉन R. इस केस में V कितना? इट इज 120 वोल्ट एंड R इज 15. तो करंट कितना आ जाएगा? इट विल बी 8 एम्पियर्स.